Okay, so this is another recap video for chapter number 6, Differential Analysis of Fluid Flow. In the previous recap video, we discussed the conservation of mass from a differential approach. In this recap video, we will recap the conservation of linear momentum, which we discussed in the class. So we all know that the force is basically another definition of force is force is nothing but the rate of change of linear momentum, and here P is the linear momentum, and P can be written as an integral of V dm, where V is the velocity and dm is the differential mass. This representation jo aapko bhi nazar aa rahi hai representation, this is an integral representation jo humne Reynolds Crossport theorem ko discuss karte hue padhi thi. इसमें dp upon dt जो है वो rate of change of momentum है with respect to time, जो कि बराबर होता है force के, और यहाँ पे जो p है that is an integral of v dm, where dm is the mass of a small element, where v is the velocity of that element. अगर हम same law apply करें from a differential point of view, so we can say that df, which is a differential force acting on a fluid particle, is equals to rate of change of vdm, where vdm is again the same thing, which is momentum of the fluid particle, because v kya hai velocity hai, dm kya hai uska mass hai. So aap gaur kijiye ki vdm momentum ban gaya aur uska rate of change of time usko agar aap derivate kar rahe hain with respect to time, to aapke paas differential force aa rahi hai. नीचे देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है डी डेल्टा एफ इक्वल्स टू डेल्टा एम डी वी अपॉन डी टी. आप गौर कीजिए डी एम जो है वो डिफरेंशियल मास है, और डी वी अपॉन डी टी हमें सबको पता है कि डी वी अपॉन डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन के बराबर होती है. एंड यहाँ पे हमने न्यूटन के सेकेंड लॉ को ड्राइव कर लिया, विच इज इक्वल्स टू डी एफ इक्वल्स टू डी एम टाइम्स एक्सेलरेशन, फिर डी एम मास है. तो अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हैं तो हमें पता है कि किसी भी बॉडी के ऊपर जब फोर्स एक्ट करती है तो वो बॉडी खुद एक्सेलरेट करती है जब उसका मास जो है वो एम. सेम लॉजिक हम फ्लूइड मैकेनिक्स में अप्लाई कर सकते हैं. जब आपके पास एक फ्लूइड पार्टिकल है जिसका मास एम है, वो एक्सेलरेट कर रहा है किसी फ्लो फील्ड के अंदर. नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन. अब यहाँ पर जो फोर्सेज एक्ट कर रही हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं? आपके पास जितनी भी फोर्सेज हैं उनको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. पहली फोर्स जो है उसको हम सरफेस फोर्स कहते हैं, दूसरी फोर्स जिसको हम बॉडी फोर्स कहते हैं. ओके, सो दी सरफेस फोर्सेस और बॉडी फोर्सेस बोथ एक्ट ऑन अ फ्लूइड पार्टिकल. तो इसको हम डिटेल में देख लेते हैं, रिकैप कर लेते हैं. यहाँ पे लिखा हुआ है विच एक्ट्स ऑन द सर्फेस ऑफ डिफरेंशियल एलिमेंट एंड बॉडी फोर्सेज विच आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एलिमेंट. इस बात को समझ लेते हैं. तो सबसे पहले बात करते हैं बॉडी फोर्सेस की. बॉडी फोर्सेस इज बेसिकली दोज फोर्सेस विच आर ड्यू टू द मास ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल. तो वो एक ही फोर्स है यहाँ पे, वो उसका अपना वेट है. फॉर द पर्पस ओनली बॉडी फोर्स डेल्टा एफ बी. डेल्टा एफ बी क्या है? डिफरेंशियल डेल्टा इज द डेल्टा रिप्रेजेंट्स स्मॉल फोर्स, वेयर बी रिप्रेजेंट द बॉडी फोर्स. यहाँ पे हम सिर्फ वेट को कंसिडर कर रहे हैं. तो डेल्टा एफ बी बराबर किसके हो रहा है? डेल्टा एम जी के. हमें पता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सो आपके पास बॉडी फोर्स है उसके भी तीन कंपोनेंट्स बन सकते हैं, विच इज डेल्टा एफ बी एक्स, डेल्टा एफ बी वाई एंड डेल्टा एफ बी जेड, विच आर इक्वल्स टू डेल्टा एम जी एक्स, डेल्टा एम जी वाई, डेल्टा एम जी जेड, वेयर जी एक्स, जी वाई एंड जी जेड जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी के एक्स वाई एंड सेट कॉम्पोनेंट्स हैं. इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे पास कोई भी पार्टिकल जब किसी फ्लो फील्ड के अंदर फ्लो कर रहा होता है तो उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होता है, बट नॉन अगर हम अपना कोऑर्डिनेट कहीं शिफ्ट करते हैं तो हमारे पास उन कोऑर्डिनेट एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के ऊपर उसी वेट फोर्स के डिफरेंट कॉम्पोनेंट आ सकते हैं. ये कॉन्सेप्ट आपने स्टैटिक्स में भी पढ़ा होगा. जब आप किसी कोऑर्डिनेट को शिफ्ट करते हैं किसी भी एंगल के ऊपर, तो यहाँ बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात हो रही है. क्योंकि अक्सर यहाँ सवाल उठता है कि यहाँ पे जो वेट है वो जी वाई में क्यों नहीं है, या सिर्फ जी जेड में क्यों नहीं है, बाकी दो में क्यों है. तो इसका सवाल जवाब सिर्फ इतना सा है कि आपके पास जब कोऑर्डिनेट एक्सिस को आप किसी भी एंगल के ऊपर रोटेट करते हैं
तो आपके पास उसी ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के तीनों कंपोनेंट एक वक्त में हो सकते हैं। आगे आगे देखते हैं। सो यहाँ प्लीज माइंड दिस कि यहाँ पे जो फोर्स है वो बॉडी फोर्स है। ओके, मूविंग ऑन टू द सरफेस फोर्सेस। सरफेस फोर्सेस टू अंडरस्टैंड द सरफेस फोर्सेस लेट्स कंसीडर अ आर्बिट्री डिफरेंशियल एरिया। एक सरफेस है उसको हम लेते हैं जो कि आर्बिट्री सरफेस है, उसकी कोई डायमेंशन एग्जैक्टली हमें नहीं पता वो किस शेप की है, और उसका एरिया जो है वो डेल्टा ए है। ओके, अगर उस सरफेस के ऊपर कोई फोर्स लग रही है जिसको हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा माउस आप देख सकते हैं कि जैसे डेल्टा एफ एस, डेल्टा एफ एस एक एक्टिंग ऑन दिस सरफेस जिसका एरिया डेल्टा ए है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ यू अप्लाई द थ्योरी ऑफ स्टैटिक्स, इफ यू रिजॉल्व दिस फोर्स डेल्टा एफ एस, एस रिप्रेजेंट्स द सरफेस एंड एफ इज द फोर्स। सो इफ यू रिजॉल्व दिस फोर्स along x, y and z component, so you will see that one component of this force is normal to the surface, which is delta fn. Delta fs ka ek component is surface ke upar normal hai aur delta fs ka ek do component is surface ke upar parallel hai, which means ki agar main yahan pe ek axis draw karta hu to ek axis ye hai, ek axis ye hai aur ek axis ये, तो आप कोई भी ले सकते हैं, दिस कुड बी जेड, दिस कुड बी वाई, दिस कुड बी एक्स और वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो यहाँ पे एफ एस को ही हमने रिजॉल्व कर लिया तीन फोर्स कंपोनेंट में, डेल्टा एफ टू, डेल्टा एफ वन और डेल्टा एफ वन एन, सॉरी डेल्टा एफ एन। एफ वन और एफ टू जो है वो उस सरफेस के ऊपर है या क्योंकि उसके पैरेलल है, फिर एस डेल्टा एफ एन उस सरफेस के नॉर्मल है। ये कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं समझना उन लोगों के लिए जिन्होंने स्टैटिक्स पढ़ी है, तो हम यहाँ आगे चल सकते हैं। सो यहाँ पे क्या हुआ कि आपके पास दो फोर्सेस जो है वो पैरेलल आ गए इस सरफेस के ऊपर और एक फोर्स जो है वो इसके ऊपर नॉर्मल है। मूविंग ऑन, अगर आप गौर कीजिए तो हमें ये बात पता है कि जो फोर्स इस सरफेस के ऊपर नॉर्मल एक्ट कर रही है डेल्टा एफ एन, उसको अगर मैं इस एरिया से डिवाइड कर देता हूँ तो आई विल गेट सिग्मा एन विच इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस। ये बात हम मॉम्स वन में भी डिस्कस कर चुके हैं कि फोर्स पर यूनिट एरिया विच इज एक्टिंग नॉर्मल टू द सरफेस इज द नॉर्मल स्ट्रेस। सिमिलरली शेयर स्ट्रेसेस क्या होती हैं, जो सरफेस के ऊपर पैरेलल हो या सरफेस के अलोंग हो, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डेल्टा एफ वन एंड डेल्टा एफ टू, इफ़ यू डिवाइड दीज टू फोर्सेज विद द रिस्पेक्टिव डेल्टा ए यू आर गेटिंग टॉ वन एंड टॉ टू। So these are the three forces, this single force delta Fs resolve into three components of the forces, and when you divide these three components delta F1, delta F2 and delta Fn, delta Fn, what happens? You are getting sigma n, sigma tau 1 and tau 2, right? सो हम इसको नॉर्मल स्ट्रेस कैसे कह रहे हैं और इसको हम शेयर स्ट्रेस कह रहे हैं। ओके, मूविंग ऑन, यहाँ पे लेट मी जस्ट जूम दिस फिगर अ बिट। यहाँ पे हमने एक बार डिस्कस की थी कि हम आमतौर पर जब शेयर स्ट्रेस को डिस्कस करते हैं, शेयर स्ट्रेस या स्ट्रेसेस को डिनोट करते हैं, तो हम उनको डबल सब्सक्रिप्ट से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है सिग्मा एक्स एक्स टॉ एक्स वाई एक्स जेड टॉ एक्स वाई एंड टॉ एक्स जेड एंड टॉ एक्स वाई। तो इसमें दो सबस्क्रिप्ट लिखी हुई है, पहली सबस्क्रिप्ट का मतलब क्या है और दूसरे का मतलब क्या है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। लेट्स हैव अ रिकैप अगेन। पहला सबस्क्रिप्ट बताता है कि ये किस सरफेस के ऊपर ऐड कर रही है। सरफेस ऐड करने का मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ इस सरफेस की जो ए डैश बी डैश सी डैश और डी डैश है, इस सरफेस का एक यूनिट नॉर्मल होगा जो कि इस सरफेस से परपेंडिकुलरली बाहर निकल रहा है। और आप गौर की लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस सरफेस, लेट्स टेक दिस सरफेस ए बी सी डी। सो इस ए बी सी डी का यूनिट नॉर्मल हमेशा इस सरफेस से बाहर की तरफ होगा। दिस सिग्मा एक्स की बात नहीं कर रहा मैं, दिस इज लेट से एक वेक्टर जो है यहाँ पे इससे बाहर निकल रहा है एंड दैट वेक्टर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो मैं कहूँगा कि इस सरफेस ए बी सी और डी का जो यूनिट नॉर्मल है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। तो
इस सरफेस की ओरिएंटेशन जो है वो इस डबल सबस्क्रिप्ट की का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है, विच मीन्स कि मैं सिग्मा एक्स एक्स लिख रहा हूँ तो यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट एक्स आ गया कि ये किस सरफेस के ऊपर सिग्मा एक्स एक्स अप्लाई हो रही है। आगे वेयर एज एक्स जो है, दूसरा एक्स जो है वो इस सिग्मा की डायरेक्शन बता रहा है, विच मीन्स कि ये खुद सिग्मा एक्स एक्स इस डायरेक्शन में। सो यहाँ पे डबल सबस्क्रिप्ट में एक्स एक्स आ रहा है। ओके, इट ज़्यादा अच्छा तरीका है समझने का अगर हम टॉ एक्स वाई लेते हैं। लेट्स सी, लेट्स टेक टॉ एक्स वाई एज एन एग्जाम्पल। ये एक्स जो है ये टॉ एक्स वाई ए बी सी डी के ऊपर अप्लाई हो रहा है, जिसका यूनिट नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सेस है। तो पहला अल्फाबेट जो है वो आपके पास एक्स आ गया, जबकि इसकी अपनी डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, अगर आप और कहें इट इज पैरेलल टू वाई एक्सेस, तो दूसरा जो अल्फाबेट है वो वाई आ गया। आई गेस ये क्लियर होना हो गया होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल, टॉ एक्स जेड। सो इसी सरफेस का यूनिट नॉर्मल अलॉन्ग एक्स एक्सेस है, तो इसका पहला अल्फाबेट जो है वो एक्स आया और ये इसकी डायरेक्शन जो है वो अलॉन्ग जेड है, तो इसका जो दूसरा सबस्क्रिप्ट है वो जेड आ गया। आई गेस यहाँ पे ये क्लियर हो गया होगा। इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, बिकॉज वी विल बी हैविंग मल्टीपल स्ट्रेसेस सिग्मास एंड टॉस। आगे चलते हैं, दिस इज लेट्स ड्राइव अ रिलेशन फॉर द कंजर्वेशन फॉर द लीनियर मोमेंटम। द सेम अप्रोच जिसको हमने अप्लाई किया था कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए, अगर हम उसको गौर से देखते हैं तो लेट मी जस्ट जूम इट। ऑल्दो वी कवर्ड दिस टॉपिक इन द क्लास, सो हम इसको जल्दी कवर कर लेते हैं। लेट्स से मुझे सिंस वी आर एडिंग ऑल द फोर्सेस, तो हम अलॉन्ग एक्स की बात करते हैं सिर्फ, बिकॉज वाई और जेड में फोर्सेस को सम करना इतना मुश्किल नहीं है। वो अगर आपने एक्स में करना सीख अगर आपने एक्स में समझ लिया तो आप वाई और जेड में भी समझ सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक्स में जो फोर्सेस ऐड करी हैं, अगर आप गौर करें तो एक फोर्स जो है वो इस ओके लेट्स फर्स्ट सी द कोऑर्डिनेट्स। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स, दिस इज जेड एंड दिस इज वाई। व्हाट इज हैपनिंग हियर, दिस फोर्स इज perpendicular or normal to this surface, so this is sigma x and this is sigma x along x axis, and the other torus which is at the rooftop of this cube and at the bottom are also along x axis, and this which is the surface which is extruded or backside per surface jo hai wo bhi piche ki taraf hai। तो आप गौर करो तो ये सिग्मा एक्स एक्स, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर सेंटर ऑफ द क्यूब पर सिग्मा एक्स लेता हूँ, तो इफ़ आई मूव टू अ डिस्टेंस विच इज़ हाफ ऑफ डेल्टा एक्स, जस्ट अप्लाई द सेम लॉजिक जो हमने कंजर्वेशन ऑफ मास के लिए अप्लाई की थी, तो सिग्मा एक्स एक्स प्लस डावा सिग्मा एक्स एक्स डावा एक्स डेल एक्स अपॉन टू। डेल एक्स अपॉन टू क्यों आया, बिकॉज हमारे पास हम सेंटर से राइट साइड पर मूव कर रहे हैं। Similar, but this whole bracket is stress, not force. So I needed to multiply it with the corresponding area. And अगर आप और करो तो ये area जो है इस surface का वो delta z और delta y होगा। Now it has units of force. अगर ये force right side पर apply हो रही है, तो exactly एक force left side पर apply हो रही होगी, जिसको हम sigma xx minus dava sigma xx माइनस क्यों आया, बिकॉज हम इस सेंटर पॉइंट से लेफ्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, एरिया एग्जैक्टली वैसे ही है। नाउ लेट सी दिस, दिस इज टॉ वाई एक्स। टॉ वाई एक्स क्यों है, बिकॉज इस सरफेस का जो यूनिट नॉर्मल है वो अलॉन्ग वाई एक्सेस है, परपेंडिकुलरली अपवर्ड, वेयर एज इसकी डायरेक्शन अलॉन्ग एक्स एक्सेस है, तो ये टॉ वाई एक्स आ गया। सिमिलरली इसका अगर मैं टेलर एक्सपेंशन अप्लाई करता हूँ, तो आई विल सी दैट डावा टॉ वाई अपॉन डावा वाई, because this change of tau is along the y-axis, multiplied by delta x, this length, and this length is delta z. So similarly, इसी का corresponding जो नीचे tau apply force apply होगी वो नीचे आ जाएगी with a negative sign, और बाकी तो ये दो forces हैं exactly उनकी forces हैं वो इस तरह निकल सकती हैं, जैसे हमने ये logic apply किया। आप इसमें किसी को कोई कन्फ्यूजन हो, वी कैन हैव दिस वी कैन क्लियर दिस इन द जूम सेशंस,
So feel free to ask in the Zoom session, but I'm just recapping this. So अब आप गौर कर सकते हैं कि अगर मैं ये तमाम फोर्सेज अलॉन्ग एक्स सम कर रहा हूँ तो आई कैन सम ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग वाई एज वेल एंड अलॉन्ग जेड एज वेल. सो मूविंग ऑन. ओके सो वॉट विल हैपन अगर आप इन सबको सम कर लेते हैं. देखें सम से मुराद जस्ट लाइक योर स्टैटिक जस्ट लाइक द इक्विलिब्रियम इक्वेशन विच यू सम इन स्टैटिक्स एक्स में जितनी भी फोर्सेज हैं सबको आप सम कर लें तो दिस इज पॉजिटिव इट इज एक्टिंग अलॉन्ग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिस फोर्स इज एक्टिंग अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है. ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है. अगर आप सबको सम कर लें तो आप देख सकते हैं कि आपके पास बहुत सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड वॉट विल हैपन दिस विल हैपन यू कैन सी दिस टर्म दी दिस फर्स्ट टर्म अपीयर्स डेल एफ एक्स डेल एफ एस एक्स. ओके एस रिप्रेजेंट सर्फिस एक्स इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो जो पहली टर्म पूरी आ रही है दिस होल टर्म रिप्रेजेंट द समीशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस और द रिजल्टेंट सर्फिस फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस. तो सिमिलर बाई सिमिलर लॉजिक वी कैन सम अलॉन्ग वाई एक्सिस एंड वी कैन सम अलॉन्ग जेड एक्सिस. अगर वी ऑल नो दैट फोर्सेज आर वेक्टर क्वांटिटी सो वी कैन राइट इट इन द कार्टिजन फॉर्म. सो डेल्टा एफ एस इक्वल्स टू डेल्टा एफ एस एक्स आई एंड डेल्टा एफ एस वाई जे एंड डेल्टा एफ एस जेड के एंड सो ऑन सो फोर्थ. ओके नाउ मूविंग ऑन. हमने अभी तक क्या किया हमने दो चीज़ें की हैं वी सम द सर्फेस फोर्सेज अलॉन्ग एक्स एक्सिस जिसने हमने यहाँ लिख दिया. सिमिलरली वाई में लिखेंगे तो वाई में ऐसा आएगा और जेड में ऐसा आएगा. इससे पहले हमने जो चीज़ें डिस्कस की थी वो थी बॉडी फोर्सेस. सो दिस मीन्स दैट अगर आप गौर करो कि इस इक्वेशन में दिस इज द फंडामेंटल इक्वेशन डेल्टा एफ इक्वल्स टू डेल्टा एम टाइम्स एक्सेलरेशन. सो डेल्टा एम को हम नहीं छेड़ रहे हम ए को अभी फिलहाल नहीं छेड़ रहे बट डेल्टा एफ इज बेसिकली क्या इट्स अ समीशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस वन इज सर्फेस फोर्स एंड अदर इज बॉडी फोर्स. तो डेल्टा एफ के अंदर दो चीज़ें बंद हैं सरफेस फोर्स एंड बॉडी फोर्स. बॉडी फोर्स तो हमने यहाँ से निकाल ली और सरफेस फोर्स हमने यहाँ से निकाल ली. तो आपके पास डेल्टा एफ किसके बराबर हो गया डेल्टा एफ एस प्लस डेल्टा एफ बी. सो अगर आप गौर कीजिए डेल्टा एफ एक्स जो है इज बेसिकली इक्वल टू डेल्टा एम ए एक्स बेसिक फॉर्मूला न्यूटन सेकेंड लॉ. तो यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है ये वो इट हैज टू कॉम्पोनेंट लाइक टू पार्ट्स वन पार्ट इज बॉडी पार्ट एंड वन पार्ट इज सरफेस फोर्स. डेल्टा एम है ए एक्स क्या है ए एक्स की वैल्यू कहाँ से आई है आपने मटीरियल डेरिवेटिव अप्लाई किया एंड दिस इज एन एक्सेलरेशन अलॉन्ग एक्स एक्सिस दिस इज वाई एंड दिस इज अलॉन्ग जेड एक्सिस. सो वैन यू रिप्लेस दीज ए एक्स ए वाई ए जेड इन दीज इक्वेशंस एंड रिप्लेस डेल्टा एफ एक्स as a sum of what two forces surface force and body force. surface force यहाँ से आई और body force कहाँ से आई आपके पास यहाँ से आई. this is आप और करोगे delta m gx मैं ये term plus करूँगा तो मेरे पास क्या आएगी this term left hand side right and right hand side basically क्या है जब इसको हमने divide कर दिया volume के साथ so m upon volume gives you density. तो यहाँ पे डेंसिटी इसलिए आ रही है अदरवाइज यहाँ पे डेंसिटी नहीं आ रही थी. तो डजेंट मैटर हमने इसको इन टर्म्स ऑफ रो लिखने के लिए किया है ऐसा. तब गौर करो कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इज बेसिकली एफ एंड द राइट हैंड साइड इज बेसिकली एम ए. दिस टर्म इन द ब्रैकेट इज एक्सेलरेशन रो इज रिप्रेजेंटिंग द मास पर यूनिट वॉल्यूम वेयर हैज दीज थ्री टर्म्स आर रिप्रेजेंटिंग द सर्फेस फोर्सेज एंड द फर्स्ट टर्म इज रिप्रेजेंटिंग द बॉडी फोर्स. सो सिमिलरली this whole equation the first equation 6.50a represents the differential form of forces along x axis this is differential form of force along y axis and this is differential form of x force along z axis. okay so this is the general form of equation jo ke kisi general form of forces jo kisi bhi fluid particle ke upar apply ho rahi hoti hai. सो यहाँ तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है दिस हैज फ्रॉम टिल हेयर वी ड्राइव द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन डिफरेंशियल फॉर्म
मैं इसको जल्दी से रिकैप कर देता हूँ कि हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम दिस इक्वेशन वेयर वी हैड डेल्टा एफ इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड डी वी अपॉन डी टी एक्सलेशन बन जाता है. तो ये न्यूटन का सेकेंड लॉ है वेयर डी एम इज़ मास, ए एक्सलेशन और डी एफ फोर्स है. ये डी एफ जो है इसके फिर दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट सरफेस फोर्स है, दूसरा जो है वो बॉडी फोर्स. बॉडी फोर्सेज बेसिकली क्या है, सिर्फ वेट है आपका, वेट ऑफ द पार्टिकल है जिसे विच इज़ नथिंग बट एम टाइम्स जी, और जब उसको हमने तीन कॉम्पोनेंट में तोड़ दिया तो वो एम जी एक्स, एम जी वाई, एम जी जेड बन गया. सरफेस फोर्सेज जो किसी बॉडी की सरफेस के ऊपर ऐड कर रही होती हैं वो बराबर है डेल्टा एफ एस के, डेल्टा एफ एन, डेल्टा एफ टू, डेल्टा एफ वन इनके कॉम्पोनेंट्स हैं. इनको डिवाइड किया रिस्पेक्टिव एरिया के साथ तो आपके पास स्ट्रेसेस आ गई. और फिर हमने इसको सम किया अलॉन्ग एक्स एक्सिस बाय यूजिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्ट्रेसेस. और फिर हमने उसको अलॉन्ग एक्स सम करके पास हमारे पास ये फोर्स आई, दिस इज बॉडी फोर्स अलॉन्ग, सॉरी सरफेस फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एंड दिस इज जेड. सो एफ एस प्लस एफ वी को हमने सम करने के बाद जब सम किया सो व्हाट हैपेंड, आपके पास एफ एस और एफ एक्स जो है, एफ एस और एफ बी जब आपने सम किया तो आपके पास टोटल फोर्स आई. और टोटल फोर्स जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे इसलिए लिखी है बिकॉज दिस इज़ द ए पार्ट एंड दिस इज़ द एम ए पार्ट. आप गौर करो कि दिस इज़ द ए, दिस इज़ एम एंड दिस इज़ द एफ, राइट. सो आई होप कि आपकी चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको, ऑल्दो हमने क्लास में डिस्कस कर लिया डिटेल में, बट यू आर मोस्ट वेलकम. वी आई विल अनाउंस अ जूम सेशन टू कवर टिल दिस पार्ट. तो यहाँ तक हमने इस लेक्चर तक हमने अपना सारा रिकैप मुकम्मल कर लिया जो कुछ हमने क्लास में डिस्कस किया था. एंड इन द नेक्स्ट वीडियो मैं जो इसके बाद के टॉपिक्स हैं उसको इंशाल्लाह स्टार्ट करूँगा. सो बेस्ट ऑफ लक गाइस. ओके, थैंक यू.